जय हिंद। आज की इस वीडियो में शाहजहां और उनकी हुस्न की मलिका मुमताज महल, जिनकी याद में इतना बड़ा ताजमहल खड़ा है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। अगर किसी भी एग्जाम में पूछता है जगह तो लाहौर है, तो पक्का हुआ था 5 जनवरी 1592 में। तो इनका जो जन्म था वो मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह थे, उनकी पुत्री के गर्भ से हुआ था। उनकी पुत्री का नाम था जगत गोसाई, यानी शाहजहां की माता का नाम था, शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। अच्छा, यहाँ पर मोटा राजा की बात आ जाती है, तो मोटा राजा किसे कहते हैं? मोटा मतलब ज्यादा हट्टा कट्टा, मोटा चौड़ा, ये नहीं मोटा होता है, मोटा का होता है, जैसे कहते हैं ना मोटा भाई, मुकेश अंबानी जी को कहते हैं मोटा भाई। तो मोटा भाई कहने से मतलब यही है कि उनके पास अथाह संपत्ति है, उनका पावर बहुत ज्यादा है, पहुंच बहुत ज्यादा है उनके पास, फिलहाल हर एक चीज पर्याप्त मात्रा में, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो उन्हें मोटा भाई कहते हैं, यानी अपना बड़ा भाई, सम्माननीय भाई। तो मोटा राजा कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह की पुत्री थी, ये जगत गोसाई की पुत्री थी, जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था शाहजहां का जन्म, यानी कि ये जगत गोसाई जो थी उनकी माता थी। तो अच्छा, इनके पिता का नाम आप कमेंट में कर दीजिएगा, पता ही होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा। तो कुछ समय के बाद जब शाहजहां बड़े होते गए और ये शासन सत्ता संभालने के लायक हो गए, यूं ही सब धीरे धीरे चलता रहा। फिर एक समय की बात है, ये अर्जुमंद बानू बेगम से मिले, यूं ही इनकी मुलाकात हो गई, गए थे किसी फंक्शन में और वहीं पर अर्जुमंद बानू बेगम से इनकी मुलाकात हो गई। जो अर्जुमंद बानू बेगम थी ये आसफ खां की पुत्री थी, आसफ खां की पुत्री थी, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इनकी खूबसूरती पर शाहजहां मोह गया, मोहित हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा खूबसूरत थी तो इन्हें पसंद कर लिया एक ही बार में। तो इसके साथ ही एक स्टोरी याद आ गई, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां पर बहुत सारे कलाकार आए, बहुत सारे दुकानें आई, बहुत सारे फंक्शन हुए, बहुत सारे हर एक चीज हुई वहां पर, बहुत सारे लोग आए अपनी अपनी करामाते दिखाने के लिए, अपने अपने जो भी सामान बनाते थे वो लेके आए, जो भी इनको पसंद आता उस प्रदर्शनी में उसको खरीद लेते थे। उसकी पत्नी भी उसके साथ में थी, उसको जो पसंद आ जाता था उसको भी उसे खरीद लिया जाता था। वो बस ऑर्डर दे देती थी कि ये हमें पसंद है, राजा का भैया का, उसके पास अथाह पैसा, चलो हटा लो इसको, खरीद लो, ले चलो। नौकर साथ में चल रहे हैं, जो पसंद आता है उसे ले लिया जाता है, और नौकर उसके साथ उसके सामान को उसके महल में पहुंचाते रहते हैं। फिर आगे चलकर एक यही स्लीपर्स की दुकान थी, यानी उसमें अच्छे अच्छे बहुत सारे अच्छे अच्छे अपने हाथों से द्वारा बनाए गए चप्पल रखे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे चप्पल, बहुत ही अच्छी अच्छी सैंडल्स रखे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे जूते रखे थे। तो राजा को उसमें से एक चप्पल पसंद आ गई। राजा सब बहुत खतरनाक होते हैं, उनकी नजर इधर उधर रहती है, वो उसकी नजर डायरेक्ट उसी चप्पल पर पड़ी। उस सैंडल अच्छा था, थोड़ा सा कमी हो गई थी, कमी आगे बताता हूँ क्या हो गई थी। राजा को चप्पल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी, बहुत ही ज्यादा पसंद आई, चप्पल लेडीज थी। तो उसके साथ जो रानी थी, राजा ने रानी से कहा कि आप ये सैंडल पहन के देखिए, हमें ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो रानी ने उस सैंडल को पहना, और पहनने के बाद उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, उसकी जो सैंडल थी वो बड़ी हो गई, रानी को हो नहीं रही थी, तो उसे रिटर्न कर दिया गया नौकरों के द्वारा। तो फिर राजा ने कहा उस दुकानदार से, ऐसा करिए आप इस सैंडल को पैक कर दीजिए। उसके साथ जितने भी नौकर थे और रानी थी, उस और दुकानदार ने खुद कहा, महाराज ये तो सैंडल आपके किसी काम के नहीं है, रानी साहिबा को तो हुई नहीं है। राजा ने कहा, हम राजा हैं, राजा, सैंडल बीबी के नाप की नहीं हुई तो क्या हुआ, हम सैंडल के नाप की बीबी लेके आएंगे। वो जिसको भी पसंद कर लेते थे उससे शादी कर लेते थे। और फिर ये अर्जुमंद बानू बेगम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, तो इनके साथ शाहजहां ने 1612 में विवाह कर लिया। ये आसफ खां की पुत्री थी, ये भी आसफ खां की पुत्री थी, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानू बेगम, इनके साथ इनका विवाह हो गया। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, तो इनका नाम मुमताज महल इसने रख दिया शाहजहां ने। शाहजहां ने जब इसका जब इनका नाम मुमताज महल रखा, फिर इतना ज्यादा मुमताज महल बड़ी होती जा रही थी, जितना ज्यादा यंग होती जा रही थी उतना ज्यादा उनकी खूबसूरती सुंदरता बढ़ती जा रही थी।
फिर धीरे धीरे शाहजहां को इतना ज्यादा वो पसंद थी, इतना ज्यादा पसंद थी कि वो उनको मलिकाए जमानी के नाम से बुलाने लगा। उसने उनको उपाधि दे दी मलिकाए जमानी की। इतना ज्यादा वो खूबसूरत थी, इतना ज्यादा सुंदर थी। फिर किसी कारणवश इनकी 1631 में मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होने के बाद शाहजहां को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंची। इसका जो बहुत ज्यादा प्यार था, तो जब कोई जाता है यार अपना, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो बहुत ज्यादा दुख हुआ तो उनकी याद को भुला ना सका। जब उनकी याद को भुला ना सका तो फिर उसने ताजमहल का निर्माण करवा दिया। इनकी मृत्यु के पश्चात ही उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, जो आज प्यार को दर्शाता है। बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत इमारत है। तो यह थी कुछ ताजमहल की कहानी। और फिर इसके बाद जो शाहजहां ने अनेकों काम किए, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बाद जब पुर्तगालियों का शासन काल चल रहा था, तो पुर्तगाली बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। पुर्तगालियों के बढ़ते हुए अत्याचार को खत्म करने के लिए इन्होंने 1632 में युद्ध किया। और युद्ध करने के पश्चात हुगली पर विजय प्राप्त, 1632 में जब इन्होंने हुगली पर विजय प्राप्त कर ली, और विजय प्राप्त करने के बाद इन्होंने पुर्तगालियों का जो अत्याचार था उसे खत्म कर दिया गया। कब? 1632 में। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम किए। तो इन्होंने दिल्ली में महाविद्यालय का निर्माण करवाया और दारुल बका की मरम्मत करवाई। दारुल बका क्या है, ये भी कमेंट में बताइएगा। दारुल बका की मरम्मत करवाई, दिल्ली में महाविद्यालय का निर्माण करवाया। फिर इसके बाद दिल्ली में शाहजहां ने एक शाहजहानाबाद नगर बसाया, अपने नाम पर ही एक नगर बसाया, जिसको उसने अपनी राजधानी बनाया, नई राजधानी बनाया। अपनी राजधानी जहां पहले थी वहां से ट्रांसफर किया। कहां पर? शाहजहानाबाद, यहां पर अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लिया। फिर उसके बाद उसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। मयूर सिंहासन ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सिंहासन है। मयूर सिंहासन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीछे की साइड में दो रास्ते हुए मोर बने हैं, और जो ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन लगते हैं और बहुत ही ज्यादा सिंहासन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो इसलिए इसे मयूर सिंहासन कहा गया। तो सिंहासन, मयूर सिंहासन का इसने निर्माण करवाया, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सिंहासन है। फिर दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा की मोती मस्जिद भी बहुत ज्यादा खूबसूरत मस्जिद है। दिल्ली का लाल किला तो जानते ही हैं, और अब आप जामा मस्जिद को भी जानते हैं जो दिल्ली में है। बहुत ही ज्यादा अच्छे बिल्डिंगे हैं, अच्छी इमारतें हैं। तो जहाँ भी राजा लोग पहले रहा करते थे, उसे अपना घर समझ के वहां पर किले का निर्माण करवा दिया करते थे। वो अपना महल बनाते थे, जो आज बहुत बड़ा है, जिसे फोर्ट के नाम से, यानी किले के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जब शाहजहां जो था, फिर वो धीरे धीरे अपनी एज में आगे बढ़ता चला गया। अपनी एज में आगे बढ़ते हुए उसे लगा कि अब हमें उत्तराधिकारी घोषित करना चाहिए अपने शासन काल का। तो इसने अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन इसके बाद जो इसके और जो थे और बेटे थे, उन्हें ये मंजूर नहीं था। तो औरंगजेब उनमें से एक था, औरंगजेब भी उसमें से एक था, इसे मंजूर नहीं था। तो इसने लड़ाई स्टार्ट कर दी, कहा हम राज करेंगे, उसने कहा हम राज करेंगे। तो धीरे धीरे उनमें लड़ाई होती रही। तो औरंगजेब था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। जब औरंगजेब खतरनाक था, तो इसने सभी को हरा दिया। सभी को हराने के बाद इन्होंने शाहजहां को बंदी बना लिया, क्योंकि शाहजहां को मंजूर नहीं था कि ये शासन करे। तो इसने शाहजहां को बंदी बना लिया। बंदी बनाकर उसने आगरा की जेल में डाल दिया। आगरा के किले में उसने जेल में डाल दिया 1658 को। 1658 को जब शाहजहां को जेल में बंदी बना लिया गया, तो क्या किसी को जब आप बंदी बना लेंगे उसे कुछ भी नहीं मिल पाएगा। वो पहले राजा था यार, राजा मनमानी करता था, वो अपनी किसी की नहीं सुनता था। किसी की सुनता क्या, उसे जो अच्छा लगता था वो करता था। आठ आठ दस दासियों के बीच में, रानियों के बीच में, यार ऐसो आराम को जिंदगी जी रहा था। फिर उसने औरंगजेब ने उसको आगरा में डाल दिया बंदी बनाकर। बंदी बनाने के बाद वो फिर धीरे 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 यार उसकी हालत बहुत, कंडीशन बुरी हो गई। और फिर उसने 1666 में अपना दम तोड़ दिया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। तो ये तो थी कुछ शाहजहां की कहानी, और उसकी हुस्न की मलिका बेगम मुमताज महल की कहानी। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।